देखिए सुजानगढ़ जसवंत रोड लाडनू तीनों जगह से अभी रैलियां सुजला कॉलेज का जो चौराहा है वहां इकट्ठा होगी। यहां भी गांधी चौक से रैली शुरू हुई है और एक ही मुद्दा एक ही बात है सुजला जिला बनना चाहिए। इसी को लेकर के कल सुजला जिले के मुद्दे को लेकर के कल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में शामिल होंगे। परसों प्रस्ताव जो है वो ये है कि 15 तारीख से भूख हड़ताल 51 लोग एक साथ भूख हड़ताल शुरू करेंगे। ये प्रस्ताव है 16 तारीख को यह प्रस्ताव रखा गया है कि एडीएम कार्यालय का घेराव 16 तारीख को शाम को रात को 9 बजे रोजेदारों का जो लोग दिन में आंदोलन में नहीं आ पा रहे हैं उनका रात को 9 बजे मोहल्लों में रैली का कार्यक्रम होगा और 17 तारीख को अगर तब तक जिला नहीं बनाया तो उस दिन एक महीना पूरा हो जाएगा तो सबसे राय करके सबसे बड़े कार्यालय एडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। 18 तारीख को लोग सह परिवार भूख हड़ताल पर शामिल होंगे। सुजानगढ़ में मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल रखी जिसके चलते सरकारी विभागों में लोगों के काम प्रभावित हुए। राज्य सरकार व राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के बीच 14 दिसंबर 2021 को हुए लिखित समझौते को लागू करने तथा मंत्रालय कर्मचारियों की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 10 अप्रैल से मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। इस संबंध में कर्मचारियों के एक दल ने दीपक भास्कर के नेतृत्व में तहसीलदार प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस दौरान अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की ओर से पिछले 10 तारीख से अनिश्चितकालीन तक सामूहिक अवकाश का जो कार्यक्रम था उसमें हम सुजानगढ़ के सारे कर्मचारी पिछले 2 दिन से सामूहिक अवकाश पर हैं और आज हमने माननीय तहसीलदार महोदय के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारी जो 11 सूत्री जो मांगे हैं आप उनको जल्द से जल्द आप पूर्ण कर दें, अन्यथा 17 तारीख को हमारा जयपुर में महापड़ाव का कार्यक्रम है और वो महापड़ाव अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम महापड़ाव पर रहेंगे। माननीय सीएम साहब कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, तो मेरा उनसे निवेदन है कि माननीय सर हम तो आपसे मांग ही रहे हैं और ये मांगे अब से नहीं, हमारी पिछले 10 सालों से ये मांगे हमारे संसद जो कैडर हुआ करते थे वो आज हमसे 2 गुना 2.5 गुना वो लोग पे स्केल में चले गए, चाहे आप ग्राम सेवकों को ले लो चाहे आप चिकित्सा कर्मियों को ले लो। तो इसलिए हमारी ये मांग और निवेदन है सरकार से कि आप हमारी भावनाओं को समझें और इस बार मंत्रालय कर्मचारियों को आप ये की सौगात प्रदान करें। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 50 में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन गत शाम को किया गया। पार्षद आसिफ अली चौहान ने बताया कि लीलगरान नौजवान कमेटी के सदर अमन गोपालपुरिया, अयूब जाफर, नासिर असलम, राशिद अकरम, अरवाज क्याल, हुसैन चौहान सहित अनेक लोगों ने दावत में शिरकत की। पार्षद आसिफ अली चौहान ने बताया कि लीलगर मुस्लिम नौजवान कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों रोजेदारों ने एक साथ रोजा खोला और देश में अमन चैन के लिए दुआ की।